हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है न्यूट्रॉन गेमिंग पीडीएस चैनल पे। दोस्तों आई एम सो सॉरी, मैं काफी दिनों से नहीं आ पाया, वीडियो नहीं बना पाया जस्ट बिकॉज ऑफ माय पर्सनल वर्क। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और हो सकता है कि ये वीडियो आपको पसंद ना आए और आप हो सकता है कि इस वीडियो को इतना शेयर ना करें और इतना प्यार ना दिखाएं, क्योंकि सच जो होता है कड़वा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, बने रहिए आखिरी तक। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है न्यूट्रॉन गेमिंग पीडीएस चैनल पे। जो आज का टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा जेनेरिक टॉपिक है और जितने भी समझदार लोग हैं उनको ये चीज़ समझ में आएगी, और जिनको नहीं समझ में आएगी तो डेफिनेटली उनका मे बी एज का इशू हो सकता है, कितने समझदार ना हो, और हो सकता है कि उनको ये चीज़ समझने में थोड़ा समय लगे। तो दोस्तों मैं ये बात करने वाला हूँ यहाँ पे कि जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही हैं, जितनी भी इश्यूज चल रहे हैं आज की डेट में डिस्कॉर्ड पे या हमारे गेमिंग कम्युनिटी में, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि सब लोग अपने अपना फ़ायदा ही सोचते हैं, वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि इससे पहले अगर आप एक साल पहले कोई चीज़ उठा के देखो या डेढ़ साल पहले कोई चीज़ उठा के देखो, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज़ थी इससे पहले जो ये सब होता था, क्योंकि पहले कंपटीशन नहीं था। आज की डेट में मैंने बहुत सारी YouTube वीडियोस देखी हैं पिछले 3 हफ्तों से, जब से मैं नहीं था यहाँ पे, मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी हैं जहाँ पे मेरे को पता चला कि कोई हैक कर रहा है, ठीक है, कोई ESP हैक लगा रहा है, और मैक्सिमम जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं कहीं ना कहीं पकड़े गए हैं, ठीक है। और ये चीज़ ऐसी नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता भी है और लोगों को पसंद भी आती है, उसके बाद भी लोग उसी को देखते हैं। तो ये बातें शुरू हुई कहाँ से, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये बात ऐसे स्टार्ट हुई जैसी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में, मतलब इंडियन गेमिंग कम्युनिटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस समय क्योंकि हम इंडिया में हैं, गेमिंग में भी है और गेमिंग की बात करेंगे, और कम्युनिटी इसलिए बोल रहा कि कुछ सेट ऑफ पीपल हैं जो कि उसको ओन करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वही गेमिंग कम्युनिटी चला रहे हैं या वही गेमिंग कम्युनिटी के पार्ट हैं और बाकी कोई है नहीं। तो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में जब कुछ लोग शुरू किए थे और उनका वो इनिशिएटिव था, जब गेमिंग इंडिया में इतनी ज़्यादा चलती नहीं थी और लोग इतना ज़्यादा देखते नहीं थे, जब उन्होंने शुरू किया था तब वहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं था, ठीक है। तो खुला राज नंगा नाच, जब ये खुला राज और नंगा नाच जब ये लोग कर रहे थे, उसके अचानक से लोगों ने देखा देखी, डेफिनेटली देखा देखी, उन्होंने YouTube चैनल बनाने शुरू किए, कंपटीशन देना शुरू किया, तब इन लोगों की फटनी चालू हुई। जब इन लोगों की फटनी चालू हुई उसके बाद इन्होंने देखा कि भाई कुछ तो आउट ऑफ ब्लू करना ही है, तो इन्होंने फिर हैक वैक यूज़ करने शुरू कर दिए जो कि पकड़े जाते हैं कहीं ना कहीं। भाई देर है अंधेर नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्लिच हो ही जाता है और पकड़े जाती हैं। लेकिन उसके बाद भी कोई कैसा है कैसा नहीं है, क्या करता है क्या नहीं करता है, वो उसकी कॉल है। मेरे को एक चीज़ आज तक समझ में नहीं आई, आज भी वही चैनल बढ़ क्यों रहे हैं? आज भी वही चैनल अगर आप खोल के देखोगे, हर एक दिन में 5,000-10,000 सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं क्योंकि मिलियन ऑफ द सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। 5,000-10,000-20,000 सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, हम जैसे यहाँ पे लल्लू बैठे रहते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी चैनल हैं जो कि जिनकी ग्रोथ रेट देखा जाए तो इतने, कोई साला 60,000 में अटका हुआ है, कोई 90,000 में है, धीरे 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 बढ़ रहे हैं। मेरे जैसे मेरे चैनल को देख लो आप, इतने दिनों से हो गए, 8 महीने हो गए हैं, 9 महीने हो गए हैं इस चैनल को खोले हुए, अभी तक हम 3,500 भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारा दिल साफ नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन लोगों को, अब ये लोग कौन है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट देके बोलना चाहता हूँ, ये लोग हैं व्यूअर्स, तुम लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, और वो लोग जो यूट्यूब में जाके व्यूज देते हैं, सारे व्यूअर्स तुम लोगों की गलती है, ना किसी चैनल की गलती है, ना किसी हैक करने वाले की गलती है, ना किसी को गाली जो देता है या गंदी तरीके से करता है या जो भी गलत तरीके से कर रहा है उसकी गलती है, ना एमुलेटर की गलती है, ना पबजी मोबाइल की गलती है, ना पबजी PC की गलती है, गलती तुम लोगों की है। बिकॉज तुम लोग ही तो चूज कर रहे हो किसको देखना है, तुम ही लोग देख रहे हो। भाई सेंसिबल बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर तुम लोगों को लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ ना, भाई नीचे कमेंट में आके गालियाँ दे देना, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक चीज़ ये बताओ, उनको ग्रोथ कौन दे रहा है? सामने वाला बंदा चीटिंग कर रहा है? अगर सामने वाला बंदा अगर सही नहीं कर रहा है, या तुम जिस गेमिंग कम्युनिटी की बात करते हो वो गेमिंग कम्युनिटी को के वो लायक नहीं है या वो सही नहीं कर रहा है, तो उसको देखते क्यों हो? उसको व्यूज़ कैसे आ जाते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज, थाउजेंड्स ऑफ व्यूज और लैक्स ऑफ व्यूज कैसे आ जाते हैं? क्यों तुम लोग देख रहे हो? नमक मिर्ची मसाला मिला नहीं तो देख लिया, ठीक है। फेमस बंदे को भाई अंबानी के पीछे दुनिया भागती है, ठीक है। लेकिन वो अंबानी भी एक टाइम पे अंबानी नहीं था। इसी तरीके से हर एक बंदा जो आगे बढ़ा है वो एक टाइम पे नीचे से शुरू हुआ है। तो डिसाइड तो तुम आज करोगे, तब डाउन द लाइन 5 ईयर्स
तब जाके कोई बात होगी ना कि हाँ भाई हमने गेमिंग कम्युनिटी की नींव रखी थी तो रखी कैसे, हमने किन लोगों को सपोर्ट किया, हमने किन लोगों को सपोर्ट करके अपनी गेमिंग कम्युनिटी में आगे बढ़ाया, या तुम ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाते रहोगे। तुम देखो यार किसी भी चैनल को जाके देख लो, आज नहीं तो कल जाके साला एक वीडियो उसके ऊपर आई जाती है और प्रूफ के साथ आती है भाई हैक कर रहा है। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो सपोर्ट उन लोगों को करो ना जो लोग एकदम जेन्युइन गेम खेल रहे हैं। बढ़ाना है ना गेमिंग कम्युनिटी को, बनानी है ना। अगर नहीं बनानी है तो भाई हो जिस तरीके से चल रहा है ना, इतना कुछ जानने के बाद भी, इतने सारे प्रूफ्स आने के बाद भी खाली यही रह जाता कि उसने उसको गाली दे दी, उसने उसको कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ठीक है, आज की डेट में एक चीज और बता देता हूँ, अगर इन लोगों को एक्सपोज करने जाओगे ना तो आपको मिलती है कॉपीराइट स्ट्राइक। मेरे साथ भी हुआ, रूट के साथ भी हो रहा है और काफी लोगों के साथ हो रहा है, कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाती है। ठीक है, उसके जानने के बाद भी ऐसा अंधा चौदा है कि भाई आंखें खुलने का नाम ही नहीं ले रही। इसलिए तुम व्यूअर्स बेवकूफ हो, ना कि कोई गेमिंग चैनल। वो तो भाई फायदा उठा रहा है ना यार, उनको क्या फर्क पड़ रहा है। और ना फर्क तो वैसे हमें भी नहीं पड़ेगा, ना अच्छे बंदों को फर्क पड़ेगा ना बुरे को फर्क पड़ेगा। फर्क अगर पड़ाना है ना, अगर सच्ची में लगता है कि तुमको सही में किसी आगे की तरफ ले जाना है, गेमिंग कम्युनिटी की नींव रख के अच्छे से 5 साल के बाद इस चीज को देखना है कि हमारी गेमिंग कम्युनिटी इंडिया में कैसे सर्वाइव कर रही है, किन लोगों के थ्रू चल रही है। ठीक है, नंगा नाच नहीं कराना है ना, खुल्ला राज नंगा नाच नहीं कराना है ना, तो आज से उन लोगों को सपोर्ट करो, उन लोगों को जो एक अच्छे कॉज के लिए हैं, या उन लोगों को सपोर्ट करो जो एक जेन्युइन गेम प्ले खेलते हैं, बेशक एमुलेटर पे खेलते हो, बेशक पबजी मोबाइल खेलते हो, बेशक पबजी पीसी खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हो लेकिन जेन्युइनली खेल रहे हो, ऐसा ना हो कि हैक करके खेल रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हें अगर लगता है कि किसको देखें, कैसे पता चलेगा कौन हैक करके खेल रहा कौन नहीं खेल रहा, तो मैं ये कहूंगा कि जो लोग हैक करके खेल रहे हैं ना, जिनके बारे में पता चल गया है ना, उनको देखना बंद कर दो और इस वीडियो को इतना आगे तक पहुंचाओ कि हर बंदे तक ये वीडियो पहुंचे और उनको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आए। सपोर्ट दिखाओ, पता चले, तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ भाई सही चीज है। और अगर नहीं लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ या ये है या ऐसा है, या यहाँ की अभी यहाँ मेरी वीडियो देखने के बाद आप लोग कहीं और चले गए, वहां जाके आराम से देख रहे हैं, फट से है शॉर्ट या फलाना ढमकाना जो भी देख रहे हैं, तो भाई देखो यार, मेरा काम था अपनी जिंदगी से 2-4-5-10 मिनट निकाल के एक अच्छा ज्ञान देने का या अच्छी एक सोच सामने रखने का, वो मैंने रख दी। आगे तुम लोगों की मर्जी है, करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन बाद में किसी को कोसना मत, किसी को गाली मत देना कि ऐसा क्यों या वैसा क्यों। मैं इस वीडियो में इतना ही बोलना चाहता था गाइस। अगर आपको किसी भी टाइप का मेरे से बात करना चाहते हो इस टॉपिक पे या किसी और टॉपिक में, मेरा डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उस पर जाके ज्वाइन करो, आप मेरे से बात कर सकते हो। और साथ में सोचो बैठ के कि यार मैंने बोला क्या, और यहाँ पे जो मेहनत कर रहे हैं, जो सही कॉज के लिए और सही तरीके से एक इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की नींव रख के उसको आगे ले जाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, उनको मिल के आ रहा है बाबा जी का घंटा। और है कौन उसके पीछे, इस चीज को रोकने वाले, इस चीज को करने वाले, इस चीज को बर्बाद करने वाले तुम व्यूवर्स हो, या जो व्यूवर्स हैं और सुनने और जानने के बाद भी कुछ ना शेयर करते हैं ना चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो ये पूरी ब्लेम मैं सारे व्यूवर्स को देना चाहता हूँ, क्योंकि भाई तुम ही लोग हो बनाने वाले और तुम ही लोग हो गिराने वाले। यही गलत के बीच में फैसला जो है वो तुम्हारे हाथ में है, तुम ही जज हो, तुम ही सुप्रीम कोर्ट हो, सब कुछ तुम ही हो। तुम लोगों को डिसाइड करना है किसको बढ़ाना है किसको घटाना है। ठीक है, इसी के साथ में ये चीज, मैं हो सकता है कि ये मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ समझ चुके होंगे लोग, और नहीं भी समझे तो फिर मैं वही बोलता हूँ कि भाई अपनी अपनी थॉट है, आप लोग ही डिसाइड करोगे कि कौन सही कौन गलत और क्या करना है क्या नहीं करना है, या गंद ही देखना है या गंद ही मचाना है अपनी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में, तो भाई करते रहो। तो गाइस आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहता था, और अपना ख्याल रखो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने घर वालों पे ध्यान दो, और बस यार इतना ही बोलना चाहता था। बाकी आप लोगों की मर्जी है, जो करना है करो। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ।